सरदार पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जनसभा स्थल और उनके कार्यक्रम स्थलों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। एडीजी और आईडीजी के साथ अन्य पुलिस अफसर सुरक्षा व्यवस्था पर पूरी नजर रखे हुए हैं। जनसभा स्थल पर काले रंग के कपड़े पहनकर आने वाले लोगों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा। उन्हें काले रंग की जैकेट या अन्य कपड़े बाहर छोड़कर आने को कहा जा रहा। कृषि विश्वविद्यालय मोदीपुरम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है। उनके मेरठ पहुंचने से पहले भाजपा सांसद और विधायक के साथ भाजपा के अन्य नेता मंच पर पहुंच चुके थे। एडीजी मेरठ जोन और आईडीजी के साथ ही एसपी समेत तमाम पुलिस अफसर कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं। कार्यक्रम स्थल की ओर जाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ व अन्य चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है और प्रत्येक गतिविधियों पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। जनसभा स्थल पर लोगों को चेकिंग के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा। प्रवेश गेट पर ऐसे लोगों की पुलिसकर्मी वापस लौटा दे रहे हैं जो काले रंग की जैकेट या काले कपड़े पहने हुए हैं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसानों की आमदनी को बढ़ाए जाने की दृष्टि से कृषि व्यवस्था और किसानों की सेहत में सुधार कैसे किया जाए, इसके लिए डॉक्टर स्वामीनाथन कमेटी बनाई थी। उनकी रिपोर्ट 2006 में आ गई, लेकिन 2014 तक यूपीए सरकार रही और उसने उसको लागू नहीं होने दिया। मैं जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं लागू होने दिए। उन्होंने खुद जो है मनमोहन सिंह जी ने, शरद पवार जी जो उनके कृषि मंत्री थे उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई, भूपेंद्र जो ये जो हमारे हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी के अध्यक्षता में बनाई। दोनों कमेटियों ने रिकमेंडेशन किया था कि बाजार व्यवस्था को सरलीकृत किया जाना चाहिए और किसान को खुला बाजार मिलना चाहिए। उसके बाद आज कांग्रेस पार्टी उससे जो है एडवर्स जो है वो पलटी रिवर्स मार रही है। मैं नहीं समझता कि इसका क्या कारण है, और इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड वो किसान आंदोलन को चलवा रहे हैं। जब भारत सरकार ने, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने और कृषि मंत्री जी ने बार बार इस बात को कहा है कि हम किसान से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, किसान अपनी हट धर्मिता को छोड़ करके वो आकर के बातचीत करें। मैं ये चाहूँगा कि किसी भी समस्या का संवाद का समस्या का हल वह वार्ता है, बातचीत और सुझाव है। हट धर्मिता या हठी होना कि नहीं, यही होगा तो हम करेंगे। कोई ये हट बना ले बच्चा कि हमको चंदा मामा को हाथ मिला करके दे दो तो कैसे हो सकता है। तो बैठ करके इसके लिए तो बातचीत करना ही होगा। और जब सकारात्मक तरीके से प्रधानमंत्री जी ने, कृषि मंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने इस बात को रखा है किसानों के बीच में, तो उनकी बात का पर उनको भरोसा करना चाहिए। और इसलिए रास्ता जाम करना, रास्ता को बंद करना या भारत को बंद करना समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान संवाद और संवाद के माध्यम से निकले हुए जो सकारात्मक सुझाव होंगे। भारत सरकार बार बार आग्रह कर चुकी है कि हम सुनने को तैयार हैं, आप आकर के बातचीत करिए, हम समाधान निकालेंगे, जो व्यवहारिक होगा उसको करेंगे। लेकिन किसान की आमदनी दो गुना किए जाने के लिए जो कानूनी सुधार होगा, उस कानूनी सुधार के बिना नहीं संभव है। एक पहली व्यवस्था थी तो क्यों किसान जो है गरीब रह गया, क्यों किसान कमजोर हो गया, क्यों उसकी जोत छोटी हो गई, ये कांग्रेस के लोगों ने जिन्होंने इस देश के ऊपर 55 साल हुकूमत किया है उनको साफ करना। इंडियन प्राइम न्यूज से मेरठ से ब्यूरो रिपोर्ट।